चलिए शुरुआत करते हैं आज की पटवारी में पूछे गए सवालों के बारे में, प्रश्नों के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज 12 तारीख को जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके हल सहित आपके सामने लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड कहाँ स्थित है? हैदराबाद। भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? मुंबई। प्रस्तावित की गई बुलेट ट्रेन की दूरी कितनी है? 508 किलोमीटर। पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? 1951 से। मध्य प्रदेश में इनमें से कौन कुटीर उद्योग के अंतर्गत नहीं आता, ऐसा क्वेश्चन आया था। 2017 में संसद द्वारा अखिल भारतीय कर का नाम क्या है, ये क्वेश्चन आया था। इनमें से कौन नर्मदापुरम संभाग में नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। जिले में कुंडलपुर तीर्थ यात्रा केंद्र किस धार्मिक संप्रदाय से है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था और इसका है जैन। सिमरीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? उड़ीसा में। किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे लंबा नेटवर्क है? उत्तर प्रदेश। गुना में मल्हारागढ़ जिले में बावड़ी का नाम क्या है, ये प्रश्न आया था। महेश्वरी जो है, महेश्वर वो नर्मदा नदी के किनारे, तो नदियों से रिलेटेड बहुत ही प्रश्न आ रहे हैं। कृषि मूल्य आयोग भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 1964 में हुई। पशुधन जनगणना भारत में कितने वर्ष में होती है? मनरेगा को कब से कब से अधिनियम पारित किया गया था? मनरेगा का जो है वो अधिनियम कब पारित किया गया था? 2005 को। कृषि क्षेत्र में जो क्वेश्चन है वो अभी परीक्षा में आए हैं, आज के पेपर में पूछे गए हैं, ठीक है। उसके बाद है कृषि क्षेत्र में समस्याओं को प्रत्यक्ष समाधान कौन करता है? केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई ऑनलाइन जो सुविधा है डिजिटल इंडिया हो सकती है। मध्य प्रदेश ट्रैक्टर द्वारा खेती अधिनियम में राज्यपाल की समिति किस वर्ष हुई? दलाई लामा किस चीनी प्रांत के नेता हैं? तो मतलब चीनी प्रांत के नेता हैं, ठीक है। यहाँ पे जो इसने पूछा है कि मतलब कौन से प्रांत के हैं, तो ये चीनी प्रांत के। इनमें से कौन सा जबलपुर में स्थित महत्वपूर्ण महल है? मदन महल किला। 2016 में 8वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? गोवा में। भारत में वास्तविक बुलेट ट्रेन की स्पीड कितनी है? 300 से 350। महेश्वर किस नदी के किनारे स्थित है? नर्मदा। मध्य प्रदेश का सबसे आबादी वाला जिला 2011 जनगणना के अनुसार है इंदौर। दुग्धधारा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? अनूपपुर। पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? 1951। इंटरनेट क्या है, एक्सेल का एक्सटेंशन क्या है, ये क्वेश्चन कंप्यूटर के अंतर्गत पूछे गए थे, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि आज के सेप्टर में पूछे गए थे। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।